हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज रेनो की ये डस्टर है, इसकी आज हम सर्विसिंग करने वाले हैं, इसकी आज जनरल चेकअप भी करने वाले हैं। ये गाइस इसका एयर फिल्टर है, अभी हम एयर फिल्टर चेक करने जा रहे हैं, इसका क्या है कंडीशन। कहते हैं एयर फिल्टर ख़त्म हो चुका है, देखिए कितना धूल, देखिए कितना कचरा। गाइस इसका दो सर्विसिंग हो चुका है, इसलिए हम दो सर्विसिंग के बाद चेंज कर रहे हैं। पिछले टाइम ये नया था तो इसी कारण इसे चेंज नहीं किया था। तो गाइस इसका पार्ट्स लाना पड़ेगा, मार्केट में अवेलेबल है इसका पार्ट्स। चलो ऑयल गिराते हैं अब इसका। देखिए गाइस यहाँ पर इसका फिल्टर कितने अंदर होता है, सामने यहाँ पास होता है, इसके लिए ये पाइप जो दिख रहा है इसे खोलना पड़ता है, साइड करके उतना काम करते नहीं बनता। गाइस यहाँ पर इसका चेक नट होता है, इस चेक नट से ऑयल गिराना पड़ता है, तो इसके लिए अपने को पाना लाना पड़ेगा फिर से। चलिए चलते हैं पाना लाने। इसमें चार खांचे वाली गुट्टी लगती है, अब देखना पड़ेगा इसमें कौन सी छोटी या बड़ी गुट्टी लगती है। गाइस देखिए छोटी वाली चार खांचे की गुट्टी। देखिए गाइस अभी गिरने वाली है, अभी ये ड्रेनेज निकालने वाले हैं। ठीक है गाइस इसकी ऑयल पूरी ख़त्म हो चुकी है, देखिए कितना काला हो गया, डीजल इंजन है। अब इसका गाइस हम देखिए गाइस हमारा ऑयल ड्रेन होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। तो गाइस इसके ऑयल ड्रेन होने तक हम नाश्ता करके आते हैं, चलिए चलते हैं। गाइस नाश्ता करके आ चुके हैं अपन, अब देखिए ऑयल बंद हुआ कि नहीं। देखिए गाइस बंद हो चुका है, अभी ना छोटी वाली फिल्टर खोलने लगता है, देख सकते हैं आप। गाइस इसका फिल्टर खोलने के लिए ये पाइप जो है एयर फिल्टर से निकला होता है, उसे खोलना पड़ता है। यहाँ पर गाइस पाइप में क्लैंप लगाता है, पाइप को पहले साइड करना पड़ता है। गाइस कोशिश करते हैं कि ये जो पाइप है उनको खोलना ना पड़े, वरना इनसे बहुत सारी कूलेंट जो रहती है वो वेस्ट हो जाती है। गाइस फिल्टर ढीला हो रहा है धीरे धीरे। गाइस इसमें मेहनत बहुत लगती है, इसमें टाइम भी होता है, वैसे फिल्टर अगर ये पाइप निकाल लेते तो जल्दी से बाहर आ जाते, लेकिन अपन सेफली काम करना चाहते हैं। गाइस ये जो पाइप है इसे हम खोलना नहीं चाहते, क्योंकि इससे बहुत सारा कूलेंट वेस्ट हो जाता है निकल के पानी के द्वारा। गाइस इसका कूलेंट टैंक यहाँ पास होता है, देख सकते हैं आप, रेडिएटर जो है सामने होती है। गाइस इसका फिल्टर ढीला हो चुका है, यानी कि कोशिश कामयाब रहा है, देख सकते हैं गाइस इसकी फिल्टर जो है ऐसी होती है, यानी कि हर गाड़ी का फिल्टर ऐसी होता है, बस साइज बस अलग अलग रहता है। गाइस इसके लिए फिल्टर सेम ऐसे ही लाना पड़ेगा, जितनी बार ऑयल चेंज होगी ना उतनी बार फिल्टर डलती है साथ में। चलिए इसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा अपने को, पहले इधर का चेक नट लगा लेते हैं नीचे का, उसके बाद चलते हैं मार्केट। गाइस इसे कहते हैं चेक नट, जो चैम्बर पर लगती है नीचे, आइए लगाते हैं। गाइस इसका चेक नट लगाने वाले अपन। कूलेंट जो है बॉस का ऑयल भी मॉडल का लाए हैं ओरिजिनल, ये 1540 का है, 5 लीटर डीजल इंजन का है ये ऑयल। हम लाए हैं इसका फिल्टर हेला का, जो है उसकी ओरिजिनल है, देख सकते हैं आप। इसमें तीन चार प्रकार के मॉडल आते हैं, लेकिन ये सबसे बीच वाला का मॉडल है, डीजल इंजन मॉडल, तो देख सकते हैं पुराना, इसका तो पूरा ऐसी की तैसी हो चुका है, देख सकते हैं कितना धूल है। और ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, देख सकते हैं। चलिए गाइस इसका फिल्टर लगाते हैं अपन, अच्छे से साफ कर लेते हैं। गाइस इसके अंदर धूल भरा था जो है, कपड़े से साफ कर दें तो निकल गया है।
गाइस ये जो लॉक दिख रहा है दोनों यहाँ बैठता है अगल बगल, फिट करते हैं, ये होगा लॉक। चलिए गाइस इसके एयर फिल्टर का पाइप जो है लगाते हैं। देखिए गाइस इसका वाइपर का जो है यहाँ पर रहता है, इसमें ज़रा सा पानी नहीं है, इसमें पानी डालेंगे अपन, देख सकते हैं ये आयल डालने का इधर रहता है इसका। गाइस इसमें पहले 3 लीटर डाल के मिला के देखते हैं। गाइस गेज आ चुका है देख सकते हैं, करेक्ट 5 लीटर का डब्बल आया था, 5 लीटर लग गया। गाइस इसका एक चीज़ और गियर ऑयल और लगता है, इसमें गियर ऑयल और ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल तो अभी ठीक है देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ब्रेक ऑयल यहाँ तक भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल ठीक है। अपना इंजन ऑयल पूरा चेंज हो चुका है, गियर ऑयल और बचा है, गियर ऑयल चलिए चेक करते हैं। गियर ऑयल चेक करने के लिए इसका चारों बोल्ट खोलना पड़ता है, नीचे जो प्लेट इंजन गार्ड प्लेट रहता है उसे खोलना पड़ता है, चारों बोल्ट जो है चेचिस पे टाइट रहते हैं। दोस्तों गियर ऑयल चेक हो चुका है और ठीक है, दोस्तों गियर ऑयल चेक हो चुका है, 3 सर्विसिंग के बाद चेक होता है, पिछले टाइम उसे चेंज किए थे तो अभी 44,000 नहीं हुआ है, 10,000 हुआ है। चलिए गाइस इसका कूलेंट डालते हैं, अब डाल रहे हैं हम इसका कूलेंट। दोस्तों इसे पूरा स्लीव नहीं भरा जाता क्योंकि इसमें एक मिनिमम गियर दिया जाता है जिससे एयर पास होता है, क्योंकि टैंक में गर्म हीटिंग होने के बाद एयर बनता है जो इधर से निकल जाता है थोड़ा सा। गाइस इसका वाइपर में पानी डालेंगे, इसका सब चीज़ हो गया, वॉशिंग बस बचा है, वॉशिंग के लिए इसको छोड़ के आते हैं। पहले इससे पहले इंजन का साउंड सुन लीजिए ऑयल चेंज होने के बाद। गाइस देखते हैं कहीं ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है। गाइस बोनट बंद करते हैं और इसे वॉशिंग के लिए ले जाते हैं।